हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं माय लवली लायर के एपिसोड 15 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सोली को दोहा हॉस्पिटल में ले आया था और वहीं पर उसका इलाज चल रहा होता है। वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और फिर सोली दोहा से पूछ लेती है कि सीईओ इस टाइम पे कैसे हैं। और फिर वहाँ पर कांगमन भी आ जाता है, वो उसको बता देता है कि वो अभी सर्जरी में है। फिर दिखाते हैं सोली दोहा से पूछने लगती है कि जब सीईओ उठेंगे तो तुम उनसे क्या क्वेश्चन करोगे। दोहा कहने लगता है कि मैं सिर्फ उससे इतना ही पूछूंगा कि उसने इमजी को क्यों मारा, इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ है ही नहीं जो मैं उससे पूछ सकता हूँ। और फिर सोली उससे कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम अभी सीईओ से मिलना चाहते होगे, तो प्लीज़ तुम यहीं पर वेट करो, मैं घर पे चली जाती हूँ। फिर दिखाते हैं दोहा कांगमिन के पास आकर बैठ जाता है, उसको थैंक यू बोलने लगता है, मगर कांगमिन कहता है कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ सोली ने ही किया है, वही जेचैन से मिली थी, उसी को इस सब बारे में पता चला। और फिर वो बाद में कहने लगता है कि अगर वैसे सोली के पास ये एबिलिटी नहीं होती ना, तो हम दोनों अभी भी डेट कर रहे होते। फिर दिखाते हैं सीईओ को होश आ जाता है, डॉन से मिलने के लिए जाता है, उसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं, उस रात सीईओ दोहा का वेट कर रहा था, मगर दोहा तब तक आया नहीं था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो फिर सीईओ दोहा को देखने के लिए बीच पे चला जाता है और वहां पर वो यूमजी को देख लेता है, उसके हाथ में खून वगैरह भी लगा हुआ था। तो वो उससे कहने लगता है कि तुमने फिर से ऐसा कुछ किया, तुम ऐसे बार बार दोहा को क्यों परेशान करती रहती हो। तो यूमजी उससे कह रही है कि अब हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। तो सीईओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब प्लीज तुम उससे दूर रहना, तुमने दोहा को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मगर यूमजी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम दोहा के लिए क्या फील करते हो। और फिर ऐसे कहके वहां से जाने लगते हो। उसकी बात सुन के सीईओ एकदम से हड़बड़ा से जाता है, वो कहता है कि दोहा ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है क्या, मगर एमजी उसको ऐसे कोई आंसर नहीं दे रही थी। तो सीईओ उसका हाथ पकड़ के उसको जंगल में ले जाता है, उससे पूछने लगता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला, दोहा ने बताया। मगर तभी एमजी उसके गले में जो चैन पड़ी हुई थी उसको एकदम से निकाल देती है, और उस चैन में वही रिंग थी जैसी दोहा ने एमजी के लिए बनवाई थी। और उस रिंग को देख के एमजी कहने लगती है कि पहले तो मुझे सिर्फ शक ही था, मगर अब इस रंग को देख के तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हूँ कि तुम दोहा को लाइक करते हो। और फिर इन्हीं बातों पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सीईओ इमजी से बोल देता है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो प्लीज अब हम दोनों के बीच में मत आना, मगर इमजी कह रही है कि तुम दोनों के बीच में दोहा तो तुम्हारे लिए कुछ फील करता ही नहीं है और तुम्हें दोहा से दूर रहना चाहिए। और इसी बात को सुन के सीईओ एकदम से इमजी का गला पकड़ लेता है और वो उसको जैसे पुश करता है, इमजी का सिर एकदम से पत्थर पे लग जाता है और वो वहीं के वहीं मर जाती है। सीईओ भी ऐसे उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। मगर फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं उसको वहां पर ऐसे ही छोड़ देता तो सब लोग तुम पर ही शक करते, इसीलिए वो पूरा सीन ऐसा क्रिएट कर देता है कि सबको ऐसा लगे जैसे एमजी ने सुसाइड किया हो। और जब सीईओ एमजी को ऐसे दफना रहा था तब उसके हाथों में चोट लगी हुई थी, तो कुछ खून एमजी के कपड़ों पर भी गिर गया था, तो इसीलिए बाद में वो उन सब कपड़ों को वहां से निकाल देता है और एमजी की रिंग भी ले लेता है। वैसे तो वो उनको जलाने वाला था, मगर फिर वो उनको जलाता नहीं है और उनको अपने पास ही रख लेता है। वो कह देता है कि मैंने ये बात हमेशा छुपाने के लिए नहीं सोचा था, इसीलिए मैंने ये सबूत अपने पास रख के थे कि किसी ना किसी दिन तो मैं अपने आप को सरेंडर कर ही दूंगा और ये तब उस टाइम के लिए प्रूफ होगा। और मैं अभी अपने आप को सरेंडर करने ही वाला था, मगर मेरे कुछ काम थे इसीलिए मैंने अपनी जगह अपने भाई को भेज दिया था। मगर फिर लास्ट में दोहा उससे कहता है कि तुम्हें अपने क्राइम्स के लिए पे करना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं सब में यही न्यूज़ फैल जाती है कि एमजी को सीईओ ने मारा था और उसके पास से एमजी के कपड़े और रिंग भी मिले हैं। फिर दिखाते हैं एमओ ने एमजी का फ्यूनरल रखा होता है और वहां पर दोहा और सोली दोनों जाते हैं और दोहा को देख के एमओ उससे माफी मांगने लगता है, मगर दोहा उसको समझाता है, कंसोल करता है। फिर दिखाते हैं सोली और दोहा जब वहां से जा रहे थे, तो सोली कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही वजह से आई थी, मैं एमजी से कहना चाहती थी कि अब वो अपना ख्याल रखे और आराम से रहे, अब उसे किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर दोहा भी कहने लगता है कि पहले मेरे सपनों में एमजी आया करती थी, मगर जब से मैं तुम्हारे घर के साइड में आया तब से मेरे को ऐसा कोई भी सपना नहीं आया। फिर दिखाते हैं ओब एक चोरोक के लिए कुछ सामान लेके आया था, मगर उस टाइम पर चोरोक की फ्रेंड वहीं पर थी, तो चोरोक ऐसे बिहेव करती है जैसे वो ओबेक को जानती नहीं है। और ओबेक भी ऐसी कहने लगता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया था। ओबेक के जाने के बाद चोरोक की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि तो ये कहीं इसको डेट तो नहीं कर रही है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है, और वो उसको ऐसे ही बना कर रही होती है। तो चोरोक भी कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं तेरी बात समझ रही हूँ, मैं उसको डेट वेट नहीं कर रही हूँ। और बाहर ओबेक ये सारी बातें सुन रहा था। फिर दिखाते हैं सोली के कैफे में कांगमन का कलीग कॉफ़ी के लिए आया था और उसमें सोली एक स्पेशली कॉफ़ी कांगमन के लिए भी सेंड कर देती है, उस पर वो कांगमन का नाम लिख देती है, जिसको देख के दोहा को काफ़ी जेलसी होने लगती है। और वो सोली से कहने लगता है कि तुम कांगमन के इतने ज़्यादा क्लोज कब से हो, तुम अब उसको उसके फर्स्ट टाइम से बुला रही हो। उसकी बात सुन के सोली समझ जाती है कि जेलस फील कर रहा है, तो उससे कहने लगती है कि तो फिर मैं क्या करूँ माई डियर दोहा। और यही बात सुन के दोहा एकदम से ब्लश करने लगता है और सोली उससे कहती है कि
तुम भी मुझे माई डियर सोनी करके बुला सकते हो, और डोआ जैसे उसको माई डियर सोनी कहता है तो दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं। और कैसिंड्रा और च्यून भी वहीं पर थे, वो दोनों सब कुछ देख लेते हैं और हंसने लगते हैं, और फिर उनको प्राइवेसी देने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कांगमिन का कलीग सबके लिए कॉफ़ी ले आया था, और वो कांगमिन को स्पेशली में वो कॉफ़ी देता है जो सोरी ने उसके लिए भिजवाई थी, और उसको देख के कांगमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वहीं पर कांगमिन के सीनियर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसके प्रमोशन की बात कर रहे होते हैं कि इसके आने से 5 साल पुराना केस भी सॉल्व हो गया। फिर दिखाते हैं सोरी काफ़ी सारे लोगों की बात सुननी थी, मगर फिर वो सोचने लगती है कि आज सारे लोग सच ही कैसे बोल रहे हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। फिर दिखाते हैं सोली के पास एक क्लाइंट आता है, वो ये जानना चाह रहा था कि एक लड़की है वो उसको रिजेक्ट क्यों कर रही है। तो सोली उसके साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और वो उसको डिवाइस भी दे देती है। तो वो लड़की उसको बताने लगती है कि मैं बहुत दिनों तक नहाती नहीं हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, ऐसे करके वो बहुत सारे बहाने बताती रहती है। और सोली को तो वो सब सच ही सुनाई दे रहा था, मगर फिर वो बाद में लास्ट में वो लड़की बोली देती है कि सब झूठ था, मैं तुम्हें इसलिए रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम जैसे एरोगेंट मैन को मुझे डेट नहीं करना है। अगर मैं कंपनी में काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीईओ के बेटे को भी डेट करूँगी। और फिर वहाँ से चली जाती है, और वो लड़का ऐसे हक्का बक्का रह जाता है। वो सोली से कहने लगता है कि अभी क्या हुआ, और तब सोली को समझ आता है कि उसकी जो पावर थी वो चली गई है, वो अब किसी का झूठ नहीं पकड़ पा रही है। और फिर ये बात सोली जाके डोआ को बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो डोआ कहता है कि शायद उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे कानों पे कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर सोली कहती है कि बचपन में मेरे डैड मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके जाया करते थे, मगर कुछ नहीं हुआ, और अब मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। तो डोआ उससे कहने लगता है कि वैसे अब अच्छा है ये, अब तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, अब तुम ऐसे किसी को ऑफेंड नहीं करोगी। मगर सोली कहने लगती है कि मुझे फिर सब पे ऐसे ही लगेगा ना, सारे सस्पिशियस ही लगेंगे कि सब मुझसे झूठी बोल रहे हैं। तो फिर वो डोआ से कहने लगती है कि तुम मुझसे दिन में एक बार झूठ बोला करना, जिससे क्या पता कभी मेरी पावर वापस आ जाए तो मुझे पता चल जाए। वैसे डोआ मना कर रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट फिर भी सोली उसको इंसिस्ट करने लगती है, और वो उससे ज़बरदस्ती कराने लगती है कि एक बार ये बोल दो कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ। पहले तो डोआ बोल नहीं रहा था, फिर जैसे ही वो बोलता है उसे सुन के एकदम से सोली अपसेट हो जाती है कि मुझे अगली बोल रहा है। फिर नेक्स्ट डे सोली च्यून और कैसिंड्रा को ये बात बता देती है कि वो कोई शमन नहीं थी, उसके पास स्पिरिट्स नहीं आती थी जिससे उसको पता चलता था कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, बल्कि उसके पास ये पावर बचपन से ही थी और ये पावर अब चली गई है। उसकी बात सुन के कैसिंड्रा कहने लगती है कि मुझे पहले से ही लगा था कि कुछ ऐसा ही है, क्योंकि तुम किसी भी नॉर्मल शमन की तरह बिहेव नहीं करती हो। और फिर सोली कहने लगती है कि इसीलिए अब हम पहले जैसे क्लाइंट भी नहीं ले पाएंगे, हमारा बिजनेस अब अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पहली वाली सैलरी भी नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए तुम कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मगर कैसिंड्रा और च्यून कहते हैं कि हम तो यहीं पर काम किया करेंगे। फिर दिखाते हैं सोली के डैड का एक इंटरव्यू चल रहा होता है, और उन्होंने बोल दिया था कि प्लीज़ इसमें मेरा फेस ब्लर कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर दिखाते हैं साजियोन से एजेंसी का मैनेजर मिलता है, जिससे साजियोन उसके यहाँ पर काम करे, और साजियोन उससे पूछने लगती है कि क्या मेरे साथ साथ डोहा भी तुम्हारे यहाँ पर आ सकता है। तो वो बोल देता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करा दूंगा। फिर दिखाते हैं डोहा युनजी से बात कर रहा होता है, और युनजी उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, मगर डोहा कहता है कि उस सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर युनजी बताने लगता है कि मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर दिखाते हैं सोली की मोम को सोली के डैड वाला वो इंटरव्यू मिल जाता है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर मेरी वाइफ को तो मेरे प्यार की ज़रूरत ही नहीं थी, उसका तो अफेयर चल रहा था। फिर दिखाते हैं चोरोग सोली से मिलने के लिए आती है, और वो उससे कहने लगती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प की थी, तुमने कहा था कि वो लड़का ठीक नहीं, और वो ठीक नहीं निकला, और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मगर अब मैं जानना चाहती हूँ कि ओबेक मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मगर सोली कहती है कि मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, और यही सुन के चोरोग वहाँ से रोती रोती चली जाती है। फिर दिखाते हैं साजियोन जो आज फोन पर बात करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट डे सोली जो अपने कैफे में थी वो कह रही होती है कि आजकल हमारे पास बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पर साजियोन आ जाती है, और वो कहती है कि मैं यहाँ पर डोहा से मिलने के लिए आई हूँ। फिर डोहा भी आ जाता है, और साजियोन उससे कहने लगती है कि मुझे एक एजेंसी से ऑफर आया है, क्या तुम भी मेरे साथ काम करना चाहोगे, मेरे साथ चलो, क्योंकि अब तुम सीईओ वाली कंपनी में तो काम कर नहीं पाओगे। मगर डोहा बोल देता है कि मेरा कुछ और ही प्लान है। तो साजियोन उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरा ग्रुप मिल गया है, तुम किसी और के लिए सॉन्ग लिखने वाले हो। मगर डोहा उसको ऐसे कुछ बताता नहीं है। साजियोन जैसे ही बाहर निकलती है, तभी च्यून उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, और उसको देखकर साजियोन उससे उसका नेम वगैरह पूछने लगती है, और वो बता देता है कि मेरा नेम च्यून है और मैं सोली का बॉडीगार्ड हूँ। उसकी बात सुनकर साजियोन उससे कहने लगती है कि क्या सच में तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो, और अगर तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगे तो तुम फिर यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिर च्यून कैसिंड्रा से बात करता है,
और उसको बता रहा होता है कि साजियों ने उसको उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए बोला है। फिर दिखाते हैं सोली और डोहा डेट पे जाते हैं, दोनों काफी ज्यादा खुश थे। फिर वहां से आते हुए सोली कहीं डिनर के लिए बोल रही होती है, मगर डोहा कहता है कि आज मुझे कुछ काम है। फिर दोनों घर पे आ जाते हैं, अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं और फिर डोहा वहां पर जल्दी से आके कुछ रेसिपीज देख रहा होता है, काफ़ी सारी डिश तैयार करता है। और दूसरी साइड सोली काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, वो कहने लगती है कैसी डेट थी और मुझे तो अभी भी भूख लगी है, हम डिनर के लिए भी नहीं गए। और तभी उसके पास डोहा का मैसेज आ जाता है, वो उसको अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है और वहाँ पर सारा सेटअप देखकर सोली काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है और काफ़ी खुश भी हो जाती है कि डोहा ने उसके लिए इतना कुछ किया है। फिर दोनों डिनर फिनिश करते हैं और सोली कहने लगती है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और जब डोहा टेस्ट करता है तो उसको भी अच्छा लगता है। वह कहने लगता है कि मैंने मेहनत तो काफ़ी की थी मगर मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा बनेगा। फिर दोनों टीवी देखने लग जाते हैं और उसमें सोली डोहा से पूछने लगती है कि ये जो एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही है ये ज़्यादा सुंदर है या मैं सुंदर हूँ। और डोहा कहने लगता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और उसकी बात सुन के सोली खुश हो जाती है और फिर कहने लगती है कि वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ही है अगर मैं झूठ नहीं सुन पाती तो सब ठीक है। और फिर लास्ट में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।